بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم ایک موقع پر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھ کو نصیحت فرما دیجیے اور مختصر نصیحت فرمائیں نصیحت فرمائیں اور مختصر ایک اور روایت میں یہ تفصیل ہے کہ آپ نے بہت سارے احکامات اور بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں کچھ باتیں ذہن میں رہ گئیں کچھ نہیں رہ گئیں کوئی ایک بات ایسی بنیادی بتا دیجیے جس کو لازم پکڑ بس اسی پر عمل کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں مختصر سا ایک جملہ ارشاد فرمایا جو بہت ہی قیمتی ہے ارشاد ہوا قل آمنت باللہ ثم استقم کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤں بس دو باتوں کی تلقین فرمائی آدھی لائن ہے آمنت باللہ ثم استقم کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤں ایمان اور استقامت استقامت کہتے ہیں کسی چیز پر جم جانا کسی چیز پر جم جانا مسلسل اس کام کو کرنا کبھی اس چیز سے نہ ہٹنا یہ در حقیقت قرآن پاک کی آیت کا نچوڑ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر کر کے ارشاد فرمایا آیت کون سی ہے اس شروع میں نے پڑھی ارشاد ہوا جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ جو کہتے ہیں ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر جم جاتے ہیں پھر اس پر جم جاتے ہیں ثم استقاموا ان پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں جو بشارت دیتے ہیں غم نہ کرنا فکر نہ کرنا اور ہم سے جنت کی خوشخبری قبول کرنا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ فرشتے صرف نبیوں پر نہیں اترتے ہیں فرشتے اللہ کے نیک بندوں کے پاس بھی آتے ہیں اور ان کو بھی بشارت دیتے ہیں
और उनकी तलाश में रहते हैं। एक हदीस में है, कुछ लोग मस्जिद के खूंटे हैं, मस्जिद के सुतून हैं, अगर वो किसी वक्त मस्जिद से गायब हो जाते हैं तो फरिश्ते उनको तलाश करते हैं, अगर बीमार हो जाते हैं तो फरिश्ते उनकी आयादत करते हैं, और अगर किसी ज़रूरत में होते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते उनकी इमदाद करते हैं। सहाबे किराम के और औलिया के भी बहुत से वाकयात हैं जिनसे पता चलता है कि अल्लाह के फरिश्ते उनके मददगार बने, उनके कामों में उनकी इमदाद करते रहे। आजकल जिक्र करने वाले भी ज़रा जिक्र के आदि बन जाते हैं या कुछ आमाल में लगते हैं तो कभी उनको ख्याल होने लगता है कि जिन हमारे काबू में आ जाए, और वो इसी में परेशान रहते हैं। हालांकि जिनों से ज़्यादा बेहतर मखलूक अल्लाह की फरिश्ते, और फरिश्ते जिसके मुईन व मददगार हों, अल्लाह उसके कामों में बड़ी सहूलत पैदा फरमा देते हैं। इंशाअल्लाह और फरिश्तों की ये मदद और फरिश्तों का की तरफ से मिलने वाली बशारत उन्हें नसीब होती है जो ईमान और इस्तकामत के रास्ते पर चलते हैं। ईमान और इस्तकामत, ये कुरान पाक से साबित है कि ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्लाह तखाफु वला तहज़न, फरिश्ते आते हैं बशारत सुनाते हैं। जब शब कदर में इबादत करने वाले इबादत में मशगूल होते हैं तब भी अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, और नमाज पढ़ने वालों और इबादत करने वालों से मुसाफा करते हैं, और उनके मुसाफे का ये असर होता है कि इंसान के ऊपर रिक्कत तारी होती है, इंसान के ऊपर रिक्कत तारी होती है, रोना आता है। कुरान पढ़ रहा है उसको रोना आया, दुआ मांग रहा है और रोना आने लगा। इसीलिए हमारे बाज़ मशायख ने शब कदर की निशानियों में से एक निशानी ये भी बताई है कि उस रात को सालेह और मुकर्रर बंदों पर रात के किसी न किसी हिस्से में बहुत रिक्कतदारी होती है, और वो असर होता है फरिश्तों के मुसाफिर का, वो असर होता है फरिश्तों की गुर्बत का। चूँकि फरिश्ते बहुत ही लतीफ़ और नूरानी पैकर रखते हैं और सरतासर इबादत में मशगूल हैं, किसी वक्त मासियत और नाफरमानी की तरफ कोई उनका मैलान और रुझान ही नहीं, इसलिए जिस अल्लाह के बंदे से वो मुसाफा करते हैं उस लम्स का असर ये होता है, उस नूरानियत और रूहानियत का असर ये होता है कि उस शख्स के दिल में भी लताफत और अल्लाह का क़ुर्ब और उसकी नज़दीकी बढ़ जाती है, और उसकी वजह से उसको रोना रिक्कत तारी होती है। फरिश्तों की तवज्जो नसीब होती है अच्छे आमाल की बदौलत, जितने आमाल बढ़ते जाते हैं फरिश्तों की रहबत उस इंसान की तरफ बढ़ती जाती है। इसीलिए उस हदीस में जो हज़रत हंजला रज़ी अल्लाह अन्हु से नकल की गई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इश्काल के जवाब में यही फरमाया था, उन्होंने आकर कहा कि अल्लाह के रसूल में मुनाफिक हो गया। हुज़ूर ने फरमाया कैसे, उन्होंने कहा जब आपकी मजलिस में होता हूँ कैफियत कुछ और होती है, घर जाता हूँ कैफियत बदल जाती है, यहाँ रहता हूँ मालूम होता है जन्नत और जहन्नम निगाह के सामने है, अल्लाह का अर्श निगाह के सामने है, और जब घर जाता हूँ ये कैफियत नहीं रह जाती,
कैफियत बदल जाती है। तो इधर कुछ होना उधर कुछ होना यही तो मुनाफ़क़त है, यकसानियत नहीं है, यकसानियत नहीं है। और इस वाक़े से दो बहुत ही अहम बातें पता चलती हैं। एक बुनियादी बात तो ये कि सहबत का असर कितना बेहतर पड़ता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जो तामील फरमाई वो सहबत वाफ़ैज़ से फरमाई, दिलों के अंदर जो नूरानियत आई वो हुज़ूर की सहबत की तासीर से आई। यहाँ तक के जब बैठते थे तो मालूम होता था कि सब पर्दे हट गए और जन्नत और जहन्नम और अर्श निगाह के सामने है। यही बात है जिसको आज भी यूँ समझाया जाता है कि सिर्फ रस्मी ताल्लुक से आपकी इस्लाह नहीं होगी जब तक कि आप सहबत इख्तियार नहीं करें, रहेंगे नहीं, कुछ वक्त नहीं गुजारेंगे। ये जो आजकल की तहजीब है कि टेलीफोन से बैठ हो जाइए, ऑनलाइन फैज़ हासिल कीजिए, इससे आपकी इस्लाह नहीं होगी। ये तरीक़ा रहा ही नहीं, हमारे बुज़ुर्गों का ये तरीक़ा नहीं रहा, हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये तरीक़ा नहीं रहा। जो तैयार हुए वो फैज़ान सुहबत से तैयार हुए, साथ रह कर तैयार हुए। ये ख्याल करना कि हम दो चार दस महीने में इतफ़ा आ गए तो चले गए, चंद घंटे रह लिए, इस्लाह हो जाए, तरबियत हो जाएगी, हम बयान बहुत सुनते हैं, उसी से मुफ्ती आज़म बन जाएंगे, बिल्कुल गलत ख्याल। इस निज़ाम में असल उसूल और जिस चीज़ पर दारोमदार वो सुहबत, साथ रहना, साथ वक्त गुजारना, सीखना, आमाल पर इस्तकामत इख्तियार करना, ये वो चीज़ है जिसे हमें संजीदगी से ज़िंदगी में लाना चाहिए। सहाबे किराम को जो फैज़ान हुआ वो इसी से हुआ और इसी की वो सहाबी कहलाए। आप देख लीजिए ना उनका लक़ब मौलाना रखा गया, ना आलिम रखा गया, ना मुफ्ती रखा गया, ना काजी रखा गया, ना मुसन्निफ रखा गया, ना और कोई लक़ब जो आजकल आम है, इनमें से कोई नाम सहाबा का नहीं रखा गया, उनको सिर्फ सहाबी कहा गया। इसमें इशारा इस तरफ है कि बाद के दौर में और सारे अलकाब तो लोगों को नसीब हो जाएंगे, मगर जो चीज़ इनको नसीब है फैज़ान सहबत से वो बाद के किसी शख्स को नहीं होगी। बाद में मुफ्ती भी होंगे और काजी भी होंगे और आलिम भी होंगे और फ़कीह भी होंगे और मुहद्दिस भी होंगे और मुफस्सिर भी होंगे, लेकिन वो सारे लोग उनमें से कोई एक भी सहाबी नहीं हो सकता। असल कमाल जो उनका था वो यही कि उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहबत की, आपकी मजलिसों में रहे, आपसे फैज पाया। अब सुनिए दूसरी बात, एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि सहाबा बावजूद इसके कि वो कायनात के सबसे अफजल इंसान के फैज़ान सहबत से मालामाल थे और उनकी कैफियत बहुत ऊंची थी और आमाल पर इस्तकामत भी हासिल थी और यकीन का ऊंचे से ऊंचा मेयार उनको नसीब था, उसके बावजूद वो अपने सिलसिले में इस कदर फिक्रमंद होते थे कि ज़रा तब्दीली महसूस हुई डर जाते थे। यहाँ तक कि उस ज़माने में जो सबसे बड़ी गाली थी वो ये कि किसी को मुनाफिक कहा जाए, वो अपने बारे में इतने बदगुमान होते थे कि अपने आप को मुनाफिक तक तसव्वुर कर रहे थे। ये फिक्रमंदी की दलील है, ये अपने बारे में फिक्र की दलील है कि मुझसे गलती हो रही, कहीं मुझसे होता ही हो रही, मुझसे कमी हो रही और मेरी कैफियत वहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, मैं मुनाफिक हूँ। तो हुज़ूर से जब ये बात उन्होंने कही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब दिया, तसल्ली दी उनको और फरमाया तुम मुनाफिक नहीं, तुम तो मोमिन हो और तुम्हारा मकाम ऊँचा है। अलबत्ता तुम सुनो, लौ तदूमूना अला मा तकूनून इंदी
لصافحتكم الملائكة في فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنزلة ساعة فساعة. اگر تم ہمیشہ اسی کیفیت پر رہنے لگو جو میری مجلس میں تمہاری ہوتی ہے تو یہ حال ہوگا کہ فرشتے تم سے راستوں میں اور تمہارے بستروں پر تم سے مسافہ کرنے لگیں گے. یہ کمال تم کو نصیب ہو جائے گا, اس درجے تک تم پہنچ جاؤ گے اگر یہ حالت مستقل رہنے لگے. ولیکن یا حنزلہ ساعتاً فساعتاً, حنزلہ یہ کیفیت کچھ وقت کی ہوتی ہے, کچھ وقت کی یہ کیفیت ہوتی ہے. اب اس سے ایک اور مسئلہ تصوف کا نکلا, وہ یہ کہ شیخ کی مرشد کی مجلس میں یا ان کی صحبت میں جو انسان کو فیضان ہوتا ہے یا جو کیفیت اس کے دل کی ہوتی ہے, جو انعکاس اس کے دل پر انوار کا ہوتا ہے, یہاں سے جانے کے بعد اس کو بقا نصیب ہو یہ ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت سے بھی جو لوگ مالا مال ہوئے ان کا بھی حال یہ ہوا کہ وہاں تک تو کیفیات مستحکم رہی لیکن لوٹنے کے بعد ہٹ جانے کے بعد وہ کیفیت باقی نہیں رہی. اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی سنت ہی یہی ہے اور اس کا نظام ہی یہی ہے کہ جب انسان آفتاب نبوت سے قریب ہے یا آفتاب نبوت کے نائبین اور ان کے نائبین کسی ایسے شخص سے انسان قریب ہے جس کے دل کا رشتہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل سے جڑا ہوا ہے, تو اس مبارک دل سے جڑنے کی وجہ سے ہمیں فیض تو حاصل ہوگا لیکن یہ نہیں ہوگا کہ جو کیفیت آپ کی یہاں ہے وہی کیفیت آپ کی اپنے گھر میں پائیں گے. فرق تو ہوگا اور اسی لیے یہ بات ہے کہ بار بار آنا ہوگا, بار بار طلب اور تڑپ پیدا ہو, بار بار فکر مندی ہو, بار بار انسان اپنی اصلاح کے لیے بے چین رہے اور اس کے لیے تدبیر کرے, وقت نکالے. یہ نہیں کہ انسان نے ایک مرتبہ کچھ وقت مرشد کے پاس گزار دیا اور اس کے بعد یہ سمجھے کہ بس اب تو ہماری اصلاح ہو گئی ہے, اب حضرت جنید بغدادی کے ہم سگے بھتیجے بن چکے ہیں, اب ہم کو جانے کی وہاں پر ضرورت نہیں ہے, تربیت کی ضرورت نہیں ہے. یہ ٹھیک. اب سنیے جو بات میں آپ کو سنا رہا تھا کہ یہ جو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کیفیت پر قائم رہنے لگو تو فرشتے تم سے مسافہ کریں گے بستروں پر اور راستوں پر, اس سے شارعی نے حدیث نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اعمال پر جس شخص کو جتنی استقامت ہوگی اور جس کے اندر اعمال کی وجہ سے جتنی نورانیت پڑے گی اسی قدر فرشتوں کا تلبس, فرشتوں کا میلان, فرشتوں کی توجہ اس شخص کو نصیب ہوگی. ایک بات سمجھ لیجیے, اس میں نقطہ ہے اور تھوڑی باریک بات ہے لیکن انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اللہ نے اس دنیا کا نظام ایسا رکھتا ہے کہ جو شخص جس ذہن و مزاج کا ہو اس کی طرف اسی ذہن و مزاج کے لوگوں کا میلان ہوتا ہے. سمجھیے اس کو, جو شخص جس ذہن و مزاج کا ہوگا اس کی طرف ویسے ہی لوگوں کا میلان ہوگا, رجحان ہوگا. جو چیز انسان کے اندر ہے وہ دوسرے انسان میں قدر مشترک کے طور پر پائی جائے تو وہ اس کو کھینچے. نہیں سمجھے, مقناطیس ہے, وہ مقناطیس کو کیوں کھینچتا ہے؟ اس لیے کہ مقناطیس میں جو کیفیت ہے وہی دوسرے مقناطیس میں, تو یہ مقناطیس اس کو کھینچ لیتا ہے. یہ دونوں ہم جنس ہو گئے, ایک دوسرے سے ان کی صلاحیت ملتی جلتی ہے, تو یہ مقناطیس اس مقناطیس کو کھینچتا ہے اور اپنے پاس اس کو بلا لیتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ پرندے جس طرح کے ہیں وہ اپنے جیسے پرندوں ہی کے ساتھ ہیں, جانور جس طرح کے ہیں وہ اپنے ہی غور کے ریوڑ میں ہیں, انسانوں میں بھی مختلف قسم کے ذہن کے لوگ ہیں. جس ذہنیت کے انسان ہوگا وہ اسی طرح کے ساتھیوں کی طرف مائل ہوگا. اسی لیے یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اصلی مشائخ اور
असली बुजुर्गों की एक अलामत ये भी लिखी गई है कि उनकी तरफ ऐसे लोगों का रुझान होगा जिनके अंदर आखिरत की फिक्र हो। अगर कोई शेख ऐसा है जो हमेशा दुनियादारों ही में गिरा हुआ है या दुनियादारी ही उसकी तरफ मायल है, तो समझ लो कि उस शेख के अंदर भी दुनिया की तरफ रहबत पाई। यह अलामत है कि उसके अंदर दुनिया की तरफ झुकाव है, इसीलिए उसी टाइप के लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होंगे। ये समझने की चीज है। कामिल शेख की यह अलामत बताई गई है कि उसकी मजलिस में बैठकर आखिरत की फिक्र पैदा हो। अगर आखिरत की फिक्र नहीं पैदा हो रही है तो ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ कुछ कमी है, कुछ खामी है। ये अलामत का अलामत वली कामिल में से एक अलामत जिक्र की। इस पर एक दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। हयातुल हैवान में एक शख्स ने देखा कि एक कौवा है और एक बगला है। बगला बिल्कुल सफ़ेद, कौवा बिल्कुल सियाह, और दोनों एक साथ चल रहे हैं और एक साथ चलते चुगते हैं। तो उसको हैरत हुई कि इसका इसके साथ क्या जोड़ है। कुलद हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर बाज बा बाज। कबूतर कबूतर के साथ रहता है, बाज बाज के साथ रहता है, जिसकी का जिसके साथ जोड़ है वो उसी के साथ होता है। लेकिन इन दोनों में तो कोई जोड़ नहीं है। एक तो बिल्कुल ही अस्वद, और अस्वद भी ऐसा जो ज़र्बुल मसल है, और सफ़ेद भी जो है वो भी सफ़ेदी में ज़र्बुल मसल है, और दोनों एक साथ हैं। उसको हैरत हुई, वो करीब गया कि देखो क्या बात है। तो जब करीब पहुंचा तो वो दोनों आगे बढ़े, तो उसने देखा कि दोनों एक एक पैर से लंगड़े हैं। ये भी लंगड़ा है कौवा, और बगला भी लंगड़ा है। तो उसने इसने इस बात का इजहार किया कि बात समझ में आ गई, लंगड़ेपन ने दोनों को इकट्ठा कर दिया। कदर मुश्तरक जो दोनों के दरमियान है वो लंगड़ापन है, इसने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया। तो कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो इंसान को इंसान दूसरे इंसान के लिए कशिश का बाइस होती है। कोई बड़ा आलिम है, उसकी तरफ उमूमन उनका रुझान होगा जो आलिम है, जो उलूम में दस्तरस रखते हैं उनका रुझान ज़्यादा होगा, आम लोगों का रुझान उसकी तरफ नहीं होगा। आपको इसकी मिसाल हमारे अकाबिर में से अर्ज़ करूँ, हज़रत अल्लामा अनवर कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा उनसे इस्तिफादा करते थे। बड़े बड़े उलमा उनके बारे में ये कहते थे कि ये जबलुल इल्म है, और ये इस ज़माने ही के नहीं, पिछली कई सदियों में इतना बड़ा आलिम नहीं पैदा हुआ। ये जहाँ फ़ानी है, कोई भी शैला फ़ानी नहीं, फिर भी इस दुनिया में अनवर शाह का सानी नहीं। ऐसे ज़बरदस्त इल्म और ऐसे ज़बरदस्त ज़हानत और कुव्वत हाफ़िज़ा के मालिक थे, और बड़े बड़े उलमा हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी कितने बड़े आलिम थे, उनके उनसे उम्र में भी बहुत बड़े थे, लेकिन इश्कालात के मौके पर हजरत से रुजू फरमाते थे, खतूत लिखे हैं बाज़ाब्ता, सवालात लिखे हैं। लेकिन हजरत अल्लामा की ये शान तो थी, लेकिन कभी आवाम में किसी वक्त तकरीर का मौका आ जाता था और हजरत तकरीर फरमाते थे तो आम लोग बेचैन होंगे, उठ उठ के मजलिस से जाने लगते थे। इसलिए कि जो हजरत तकरीर फरमाते थे, जाहिर है कि वो ऐसी तकरीर होती थी कि जो अच्छे खासे मौलवियों को समझ में ना आए, तो वो बेचारे देहाती गंवार बेपढ़े लिखे, वो क्या उन उर्दू में आलिया को समझते, क्या उनकी रहबत होती, क्या वो पहचानते कि हजरत किस दर्जे के आदमी हैं। तो जिस शख्स के अंदर जिस तरह का कमाल होता है, ये जिस तरह की कैफियत होती है, उस तरह के लोगों का रुझान होता है। अब इसी से समझिए कि जब आमाल इंसान अंजाम देता है और उसके अंदर नूरानियत बढ़ती है और बढ़ती चली जाती है, तो फरिश्ते जो सरता सर नूर हैं, उस नूरानियत की वजह से उनको भी तवज्जो, फिर उनको कशिश हो। ये समझाना था, इसीलिए मैंने ये तशरीह की है कि मकनातीस मकनातीस को खींचता है, नूरानियत नूरानी मखलूक को खींचती है, नूरानियत नूरानी मखलूक को खींचती है। जब हम अच्छे आमाल पर जमेंगे तो फिर फरिश्तों को तवज्जो होगी, और फरिश्ते कामों में मददगार बनेंगे। अल्लाह के हुक्म से वो
नेक अमल करने वालों के लिए मुईन और मददगार साबित होंगे। इन कानू फी हाजत आनूहुम, हदीस में है, जो लोग मस्जिद में ज़्यादा रहते हैं और अच्छे अमाल में लगते हैं, अगर उनकी कोई ज़रूरत होती है फरिश्ते उनकी मदद करते हैं। ये चीज़ समझने की है कि फरिश्तों का जो रुझान होता है वो अमाल की नूरानियत की वजह से होता है, अमाल की नूरानियत की वजह से। यहीं से एक और बात समझ लीजिए कि जिस शख्स के अंदर अमाल की नूरानियत होती है, जब वो ऐसे लोगों से मिलता है जो खुद जाकिर व शागिल हैं या अमाल पर मुस्तकीम हैं, मसलन कोई बुजुर्ग हैं, कोई वली काबिल हैं, कोई दीनदार शख्स हैं, कोई नमाजी परहेजगार इंसान हैं, तो अगर कोई शख्स आमाल पर इस्तिकामत वाला उनसे मिलता है तो उनके दिल को भी बेअख्तियार उसकी तरफ कशिश होती है, बेअख्तियार दिल को कशिश होती है। औलिया के दिल उन लोगों की तरफ मायल होते हैं कि जो खुद अच्छे आमाल और इबादात और इखलास और बेहतरीन सिफात वाले होते हैं। इसलिए औलिया किराम की तवज्जो भी हासिल करनी है तो हमारे अंदर आमाल की आदत होनी चाहिए, उससे वो तवज्जो हासिल हो, उससे वो कैफियत हासिल हो, उनकी मोहब्बत मिलेगी। इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलु सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, जो लोग ईमान लाते हैं और अच्छा अमल करते हैं अल्लाह उनके लिए दिलों में मोहब्बत डालते, दिलों में मोहब्बत आए, अपने आप मोहब्बत आए, कदर पैदा हो, अल्लाह ताला की तरफ से अजमत दिल में आए। इंसान हाथ पैर मार कर इज्जत हासिल नहीं कर सकता, इज्जत अल्लाह के देने से मिलती है और इज्जत अल्लाह ने उनके लिए मुकर्रर की है जो ईमान और अच्छे अमल के रास्ते पर चलते हैं। इस हकीकत को समझ लीजिए कि ईमान और इज्जत व अजमत का और अच्छे अमाल और इज्जत व अजमत का जोड़ है, और फिर जब अच्छे अमल की राह पर आप चलेंगे तो अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाएगी, और जब अल्लाह की मदद आपके साथ है फिर आपको कोई बिगाड़ कुछ बिगाड़ नहीं सकता। फर्श वाले चाहे जितनी साजिशें रचें, अगर अर्श वाले से ताल्लुक है तो फिर आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस हकीकत को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। हम इसी में परेशान रहते हैं कि वो हमारा मुखालिफ, वो हमारा हासिद, वो हमारा दुश्मन, इन सबको हम अल्लाह के सुपुर्द करें, अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत रखें। एक वक्त आएगा कि वो सब आपके आगे झुक जाएंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था और उनको दुनिया से सफ़े हस्ती से मिटा देना चाहा था और बाप की निगाह से गिराना चाहा और दूर कर देना चाहा, और वो खुद ईमान और अच्छे अमल के रास्ते पर चलते रहे, तो बरसों के बाद फिर अल्लाह ने वो वक्त दुनिया को दिखाया कि यूसुफ जिसको अंधे कुएं में डाल दिया गया था और ये समझ लिया गया था कि अब इनकी ज़िंदगी भी तमाम और इनकी ज़िंदगी का सफ़र भी मुकम्मल, उसी यूसुफ को अल्लाह ने ताज व तख्त का मालिक बनाकर उनके हासिल भाइयों को उनके आगे झुकाकर ये बताया कि सारी कायनात के लोग और फर्श वाले मिलकर चाहे जो फैसला करें, तकदीर लिखने वाला अर्श वाला है, वो जो फैसला करेगा वो नाफिज़ है। इस हकीकत को जितना हम समझेंगे हमारा ईमान उतना पुख्ता होगा, हमारा यकीन उतना बढ़ेगा, हम उतना ज़्यादा मसाइल और परेशानियों में मुतमईन रहेंगे। ये जो हम छोटी छोटी बात को लेकर परेशान होते हैं, वो हमारे खिलाफ कह रहा है, वो हमारे खिलाफ कह रहा है, ये हमारे बारे में ये राय रखता है, ये हमारे बारे में ये राय रखता है, ये हमको ये कह रहा है, ये हमको ये कह रहा है, ये हमारे ऊपर असर करेगा ही। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर पटना से लेकर मुंगेर तक 4-5 घंटे का रास्ता है, फरमाते थे पटने से लेकर मुंगेर तक अगर सड़क के दोनों किनारे लोग खड़े हो जाएं
और दरमियान से मेरी गाड़ी गुजर रही हो और दोनों तरफ के लोग कहें मोहम्मद वली रहमानी मुर्दाबाद, तो अल्लाह के करम से मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। इसलिए कि मुझको ये इत्मीनान है कि मैं अल्लाह ताला की बताई हुई राह पे चल रहा हूँ। अब अगर कोई मेरे बारे में कोई राय कायम करता है तो उससे मेरा कोई नुकसान नहीं। सख्त तरीन हालात में जबकि लोग उनके बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत कुछ लिख रहे हैं, उस वक्त भी मैंने उनको देखा कि उनके मामूल में कोई फर्क नहीं आता और अपने काम में मुनहमी किए, अपने काम में लगे हुए, कोई असर नहीं। ये चीज उस शख्स को हासिल होगी जिसका ताल्लुक अल्लाह से बहुत मजबूत होगा, वरना जिसका ताल्लुक कमजोर होगा वो दो चार जुमले किसी को सुनेगा और उसके हाथ पांव फूल जाए और बेचारा परेशान हो जाएगा और अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा मजदूर और सितम रसीदा समझ के किसी को शैतनाई भी चला जाएगा और लिहाफ बोड़ के मुहर्रम का ताजिया वहीं बनाएगा और रोएगा, मातम करेगा। ये सब उस शख्स के साथ होगा जिसका ताल्लुक अल्लाह से कमजोर है, और जिसका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि हालात का उस पर असर नहीं होगा। इसको समझ लो, जो बशरी और फितरी चीज है वो तो इंसान के साथ लगी हुई, किसी न किसी दर्जे में इंसान के दिल को रंज होगा, गम होगा, परेशानी भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो मायूस होने लगे, उसी को अपने ऊपर सवार कर ले, हर वक्त रंजीदा रहे, ये नहीं होगा। जो बात आपसे अर्ज कर रहा था, जिस हकीकत को आपके दिल में उतारना चाह रहा था, वो ये है कि अच्छे आमाल पर जम जाना और नूरानी आमाल को इख्तियार करना, ये अल्लाह ताला के फरिश्तों की तवज्जो का बाइस होगा। ततनज्जलु अलैहिमुल मलाइका, इससे साबित हुआ। अब आइए कि आयत में बयान क्या हुआ। दो बातें कही गई, ईमान और इस्तिकामत, ईमान और इस्तिकामत। ईमान मतलब ये कि इंसान यकीन रखे कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह की हस्ती है और तमाम तर इख्तियार उसी के कब्ज़े कुदरत में, और मेरे तमाम मामलात को बनाने वाला तन्हा अल्लाह है, जो होगा उसी के फैसले से होगा। यकीन इंसान का बढ़ता जाए, ईमान बढ़ता जाए। सिर्फ अल्लाह को मानना नहीं, सिर्फ अल्लाह को मानना नहीं, बल्कि ये यकीन दिल में जमाना कि तमाम तर इख्तियार और इख्तदार का मालिक अल्लाह है, तमाम फैसले उसी के नाफिज होंगे। अगर कोई मुश्किल भी पेश आ रही है तो अल्लाह की मर्जी से पेश आ रही है। अगर कोई बीमारी आ गई, कोई परेशानी आ गई, अगर कोई मुझको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो ये न समझें कि ये किसी और की तरफ से है। अल्लाह ताला की के हुक्म और मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। वमा हुम बिज़ारीन भी मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, जादूगरों के बारे में कहा गया कि ये जादूगर अपने तमाम तर ताकत और कुव्वत, अपने तमाम आमाल औजार हथियार मंत्र जंतर सब मिलाकर सारी कुव्वत इस्तेमाल करके किसी इंसान को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते, मगर ये कि अल्लाह का हुक्म हो। अगर अल्लाह का हुक्म है तब तो कोई नुकसान पहुँचेगा, और अगर अल्लाह का हुक्म नहीं है तो सारे जादूगर उल्टे लटक कर भी मंत्र पढ़ते रहें किसी दूसरे शख्स को गिराने के लिए, ईजा पहुंचाने के लिए सारी तदबीरें इस्तेमाल करें, उसका कुछ बनने बिगाड़ने वाला है, कुछ नहीं होगा। हाँ, अल्लाह का इशारा हो जाए तो जादू असरअंदाज होगा, अल्लाह का इशारा हो जाए बीमारी आ जाएगी, अल्लाह का इशारा हो जाए तो दुश्मन गालिब आने लगेगा। ये सब अल्लाह के हुक्म से हो। हमारे हज़रत शाह फजल रहमा बिन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, एक लतीफ़ बात शायद मैंने इससे पहले भी नकल की हो, एक मौके पर साहबजादा मोहतरम, उनके जो साहबजादे थे अहमद मियाँ, वो किसी वक्त ज़रा नाराज़ हो जाते थे। हजरत का मिजाज बहुत सखावत का था और हजरत तो अपनी अपनी दुनिया में रहते थे, और ये साहबजादे ज़रा मिजाज कभी तेज़ी आ जाती थी तो कभी कुछ कह देते थे।
एक दफ़ा हजरत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह हाजिर थे और साहबजादे ने कोई बात कह दी, हजरत को बहुत नागवार हुआ, यानी हजरत मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह को शेख थे मुर्शिद थे, नागवारी हुई और उन्होंने कुछ कहना चाहा तो हजरत शाह साहब ने मुर्शिद ने उनको रोक दिया। ये जरा जाहिर है हजरत के हुक्म से रुक तो गए, लेकिन जो एक कशमकश होती है अंदर की एक कैफियत होती है वो तो अपनी जगह थी, हजरत ने भी महसूस किया वो तो बहुत ही साहिब कश और साहिब करामत इंसान थे, उनके जैसा शख्स तो मुतअख्खिरीन में कोई एक भी नहीं पैदा हुआ जिसको ऐसा कश बोलता हो, जिसकी करामात का और कुव्वत कश का वो आलम हो हजरत शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के कुव्वत कश का और करामात का आलम था। तो हजरत ने महसूस किया, उठे और चले, हजरत मुंगेरी भी उठे, हजरत थोड़ी दूर चले फिर इनका हाथ पकड़ा किनारे ले, उसके बाद कहा बोले मोहम्मद अली अम्बिया में इस कदर तहम्मुल क्यों होता था जानते हो, बोले मोहम्मद अली अम्बिया में इस कदर तहम्मुल क्यों होता था जानते हो, ये चुप रहे पास अदब में एहतराम में चुप रहे, फरमाया मियाँ गलबे तौहीद की वजह से, गलबे तौहीद की वजह से और लीजिएगा कितनी बड़ी मारिफत की बात इरशाद फरमाई कि अम्बिया जो इस कदर सख्तियाँ झेल लेते थे और मुसीबतें बर्दाश्त करते थे वो ये ख्याल करके कि ये जो शख्स मुझको तकलीफ पहुँचा रहा है ये उस वक्त तक तकलीफ नहीं पहुँचा सकता जब तक कि मेरे अल्लाह का इशारा ना हो, अगर अल्लाह का इशारा और उसकी मर्जी यही है कि मुझको तकलीफ पहुंचे तो मुझको तकलीफ पहुंचेगी, गलबे तौहीद की वजह से उन्हें बर्दाश्त हो रहा है, गलबे तौहीद की वजह से। गौर कर लीजिए कि ये बात कितनी लतीफ है और इस पर गौर करने की वजह से कितने सारे मामलात इंसान सीख सकता है। ये जो हम जरा भी परेशान हो जाते हैं नहीं परेशान होंगे अगर इस नुक्ते को समझ लेंगे कि जो हो रहा है अल्लाह की मर्जी से हो रहा है उसमें मेरे लिए कुछ ना कुछ खैर है, शायद मुझको तवज्जो दिलाई जा रही है, शायद मेरे गुनाह माफ किए जा रहे हैं, शायद मुझको अल्लाह ताला आजमाना चाहता है, शायद मेरे अंदर और इस्तेकामत पैदा करना चाहता है, अल्लाह ताला शायद मुझे कोई इनाम अता करना चाहता है, अल्लाह ताला मुझको और कोई रुतबा देना चाहता है। हदीस में है कि किसी इंसान के लिए अल्लाह, ध्यान से सुनिएगा, किसी इंसान के लिए अल्लाह कोई मकाम मुतय्यन करता है कि ये मकाम किसको मिलेगा, मगर वो शख्स अपनी मेहनत के जरिए उस मकाम तक नहीं पहुंच पाता तो अल्लाह उस पर कोई मुसीबत डाल देता है कि वो सब्र करके उस मकाम तक पहुंचे। समझिए इसको, एक इंसान है अब उसको पहुंचना है 100 मीटर ऊपर, लेकिन ज़रा खाता पीता कम है, इतनी लंबी छलांग इसकी नहीं है, यानी आमार का पेट्रोल उसके अंदर इतना नहीं है कि इतनी लंबी छलांग वो लगा सके, लेकिन तकदीर इलाही ने लिखा है कि ये बंदा इस ऊंचाई तक पहुंचेगा, अब वो अपने अमल और मेहनत के जरिए नहीं पहुँच पा रहा है तो अल्लाह उस पर कोई हालत डालकर उसको सब्र की तौफीक देगा और फिर उस सब्र के जरिए उस मकाम तक पहुंचा देगा। इसीलिए कहते हैं कि हालात से घबराना नहीं चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, शिकवा शिकायत दिल में नहीं लाना चाहिए। कभी हालात आ जाते हैं या ज्यादा मुसीबतें तो इंसान शिकवा शिकायत करने लग जाता है या अल्लाह ताला के बारे में अयाज़ बिल्ला कोई बुरा गुमान दिल में लाने लग जाता है। हर हाल में अल्लाह की मर्जी पे राजी रहना। मेरे हजरत रहमतुल्लाह ने हमेशा ये जुमला सुनाते थे और मुझको तो बीसियों खुतूत में लिखा है कि अल इबादतु हिया इंतिसारु अवामिरिल्लाह अज़्ज़ा वजल वल उबूदियतु हिया रिज़ा बिमर्ज़ातिल्लाह तआला। कि देखो, याद रखो कि इबादत इसका नाम है कि अल्लाह को खुद के हुक्मों को पूरा किया जाए, ध्यान से सुनना, इबादत इसका नाम है कि अल्लाह के हुक्मों को पूरा किया जाए और उबूदियत यानी बंदगी इसका नाम है कि हमेशा अल्लाह की मर्जी पे राजी रहा जाए। इबादत तो ये है कि अल्लाह के हुक्मों को पूरा किया जाए,
मगर बंदगी ये कि अल्लाह ताला की मर्जी पर राजी रहा जाए। न विसाल अच्छा, न फिराक अच्छा, न विसाल अच्छा, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। अल्लाह जिस हाल में रखे वही कैफियत इंसान के लिए बेहतर है। यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा, राजी बरजा हो तो मजा दे, दुनिया ही में बैठे हुए जन्नत की फजा है। ये चीज अल्लाह की मर्जी पे राजी रहना और मायूस न होना, घबरा न जाना, परेशान न हो जाना, शिकवे शिकायत न करने लग जाना। एक ताबेई के बारे में है, सफर में तशरीफ ले गए और दो बड़े हादसे उनके साथ पेश आए। एक हादसा तो ये हुआ कि उनके बेटे जवान जो सफर में साथ थे अचानक उनका इंतकाल हो गया, और एक हादसा उनको पेश आया कि उस हादसे की वजह से उनका एक पैर कट गया। जब सफर से वापस आए तो लोग ताजियत के लिए जमा हुए, लोगों ने कहा दो बड़े हादसे एक ही सफर में पेश आ गए, आप तो बहुत ही मकबूम होंगे, ताजियत कबूल करें, हमारी तरफ से पुरसा कबूल करें। हजरत ने, उस ताबेई ने जो बात कही कितनी खूबसूरत कही, कहने लगे मेरे चार बेटे थे, अल्लाह ने एक को वापस दिया है, तीन बेटे अब भी मेरे पास हैं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और अल्लाह ने मुझको दो हाथ दो पैर दिए थे, जमाने तक इस्तेमाल किया, अब एक ही पैर अल्लाह ने वापस दिया है, दो हाथ और एक पैर अब भी अल्लाह ने मुझको दे रखा है, मैं ताजियत का मुस्तहिक नहीं हूँ, मैं अल्लाह ताला की नेमत के शुक्रिये और उसके आगे सजदा रेज होने की मुझको जरूरत है। अल्लाह का शुक्र अदा सोचने वाला जहन इस तरह भी सोचता है, सोचने वाले लोग इस तरह भी सोचते। मौजूद पर शुक्र अदा करना और मफकूद पर गमगीन न होना, ये इंसान की मारिफत के, इंसान को मारिफत के हासिल हो जाने की निशानी। फिर ध्यान दीजिए, मौजूद पर अल्लाह का शुक्र अदा करना और मफकूद यानी जो चीज़ मौजूद नहीं है, हाथ में नहीं है, नहीं मिली है, उसके बारे में तशवीश में न पड़ना या शिकवा शिकायत न करना, राजी रहना, ये इंसान के मारिफत के हासिल होने की निशानी। खैर, ये मज़मून बहुत लंबा हो गया, अब मैं फिर आपसे अर्ज करता हूँ कि पहली चीज़ तो जिक्र की गई ईमान, यानी यकीन बढ़ाओ, अपने दिल के अंदर मजबूती लाओ, ईमान के ऊपर मेहनत करो, ईमान बनाने की कोशिश करो, ईमान व यकीन के लिए तगोदौ करो। सिर्फ ये नहीं कि हम अल्लाह को मानते हैं, हम तो अल्लाह की इबादत करते हैं, ये नहीं, ईमान की मेहनत है, ईमान को दिल में जमाना, ईमान के बढ़ाने के लिए अल्लाह से मांगना, ईमान के ईमान व यकीन की बरकत अल्लाह से तलब करना, अल्लाह से सवाल करना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा साहिब ईमान के कायनात में वैसा यकीन रखने वाला कोई पैदा नहीं हुआ और क़यामत तक पैदा नहीं होगा। आप भी अल्लाह से ईमान का कमाल मांगते थे, आप भी यकीन का कमाल मांगते थे, यकीन सादिक का सवाल करते थे दुआओं में, हुज़ूर की दुआओं में, اللهم اني اسالوك ايمانا كاملا ويقينا صادقا, كامل ایمان اور بہترین سچا یقین, کامل یقین, اس کا سوال کر رہے ہیں۔ صحابہ کو بھی ایمان کی تربیت آپ نے دی۔ یہ ایمان بہت بڑی چیز ہے اور یہ ایمان بڑھتا ہے محنت کرنے سے, ذکر کرنے سے, دعا مانگنے سے, اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے سے, रातों की तन्हाइयों में रोने से ईमान बढ़ता है, यकीन की कैफियत बढ़ती है, बढ़ती चली जाती है, यहाँ तक के इंसान ईमान के यकीन के उस दर्जे पर पहुँचता है कि जिसका तसव्वुर हम जैसे कमज़ोर ईमान वालों के लिए भी मुश्किल है। लेकिन आपको हज़रत अली का कौल सुनाता हूँ जिससे अंदाज़ा होगा कि यकीन किस दर्जे का था। इरशाद फरमाया, लव कुशिफल गिताउ मज़दतु यकीना, कि जन्नत जहन्नम, अल्लाह का वजूद और अर्श और पुले सिराज, ये सब गैब की चीज़ें हैं जो आज हमारी निगाह से गायब हैं। हम मानते तो हैं लेकिन हमने देखा नहीं है। हज़रत अली फरमा रहे हैं कि अगर सारे पर्दे हटा दिए जाएं और ये सारी गैब की चीज़ें मुझको दिखा दी जाएं, तब भी मेरे ईमान और यकीन में कोई इजाफा नहीं हो।
मेरे ईमान में इजाफा नहीं होगा, यकीन में इजाफा नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि देख कर जो यकीन का आला से आला दर्जा हासिल किया जा सकता है, अल्लाह ने बफैजान सहबत नबी वो मुझको अता फरमा दिया। ये है वो चीज कि अगर सारे पर्दे हटा दिए जाए और सारे गैर की चीजें जाहिर कर दी जाए तब भी मेरे यकीन में इजाफा, यानी ईमान का कमाल है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि अबू बकर का ईमान अगर एक पल्ले में रख दिया जाए और सारी उम्मत का ईमान एक पल्ले में रख दिया जाए तो अबू बकर का ईमान गालिब आए, अबू बकर का ईमान बह जाए। एक अकेले फर्द का ईमान यकीन किस दर्जे का है, और एक अकेले शख्स का यकीन। और फिर यहां रुककर आपके और अपने फायदे के लिए अर्ज करता हूं कि गौर कीजिए कि ये मकाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक को तमाम जमात सहाबा में क्यों हासिल हुआ, उन्हीं को क्यों मिला, हजरत उमर को क्यों नहीं मिला, हजरत उस्मान को क्यों नहीं मिला, हजरत अली को क्यों नहीं मिला। सिर्फ उनके बारे में हदीस में ये बात है, दूसरे किसी सहाबी के बारे में नहीं है, सिर्फ उनके बारे में। क्या वजह थी कि उनको ये बात मिली दूसरों को नहीं मिली, उनका इम्तियाज कायम हुआ दूसरों के लिए नहीं रहा, उनकी शान हुई दूसरों के लिए मकाम नहीं हुआ। इसलिए कि सोहबत सब ने पाई, मगर जिस दर्जे की सोहबत और जिस दर्जे की मोहब्बत और जिस दर्जे की अकीदत और जिस दर्जे की जान और माल की जानसारी सैयदना अबू बकर सिद्दीक में थी, दूसरों में उस दर्जे की बात नहीं पाई। यानी जो बढ़ा वो अपनी मेहनत की वजह से और अपनी जानसारी की वजह से और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गैर मामूली ताल्लुक की वजह से। सहाबा सब हुजूर से मोहब्बत करते थे और मिसाली और मियारी मोहब्बत करते थे, लेकिन उन मोहब्बतों में भी सबसे ज्यादा बढ़ी हुई मोहब्बत सैयदना अबू बकर की थी। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको वो मकाम दिया जो दीगर सहाबा को भी नसीब नहीं, और वो ईमान अता किया जो दूसरों को नहीं। इससे पता चला कि जो ज्यादा सोहबत अख्तियार करेगा, जो ज्यादा मोहब्बत करेगा, जो मुर्शिद पर ज्यादा जान निशावर करेगा, अल्लाह उसको ज्यादा तरक्याद से माला माल। ये है वो चीज जो सीखने की है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने तारीफी अल्फाज इरशाद फरमाए, बार बार आपने उनकी फजीलत बयान, यहाँ तक कि आखिरी बीमारी में इरशाद फरमाया कि जिन जिन के खीमे मस्जिद में सब के खीमे बाहर कर दिए जाएं, सिर्फ अबू बकर का खीमा बाकी रखा जाए। बस इरशाद फरमाया अबू बकर का खीमा होगा, बाकी सब बाहर कर दिए। ये आप इरशाद फरमाए, एक मौके पर फरमाया कि जन्नत का एक दरवाजा है जिससे रोजेदार दाखिल हो, एक दरवाजा है जिससे गुस्से को पी जाने वाले दाखिल हो, एक दरवाजा है जो बाबुल जिहाद है जिहाद वाले दाखिल हो। एक एक चीज आपने बयान कर, आठों दरवाजे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला मौजूद थे, जब उन्होंने ये सुना कि जिहाद वालों को जिहाद वाले दरवाजे से पुकारा जाएगा आओ, बाबुल रैयान से पुकारा जाएगा रोजेदारों को, और फना दरवाजे से फना अमल वालों को पुकारा जाएगा, तो उन्होंने हुजूर से सवाल किया, अल्लाह के रसूल कोई ऐसा भी होगा कि कयामत के दिन जन्नत के आठों दरवाजों से उसका नाम पुकारा जाए कि तुम आ जाओ, तुम इधर से आ जाओ, तुम इधर से आ जाओ। हुजूर ने फरमाया हाँ ऐसे होंगे और मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हीं में से हो। हजरत अबू बकर से फरमाया तुम उन्हीं में से हो। ये जो मकाम बुलंद हासिल हुआ ये कड़ी और बड़ी मेहनत के बाद हासिल। मैं बार बार कहता हूँ और ख़ास तरीके पर उन लोगों से जो इस्लाही ताल्लुक रखते हैं, बार बार कहता हूँ कि हमेशा याद रखना, बातें बनाने से, सिर्फ किताबें पढ़ने से, सिर्फ अल्फाज इस्तेमाल कर लेने से, सिर्फ चंद औराद वज़ाइफ करने से आप आगे नहीं बढ़ेंगे। बड़ी और कड़ी मेहनत और मोहब्बत सादिका और इताअत कामिला यही इंसान को आगे बढ़ाते हैं, यही वो चीज़ें हैं, यही वो सिफात हैं जो इंसान के लिए तरक्की का बाइस।
तो दो आमाल हैं जिन पर बड़ी बशारत है, एक ईमान है और दूसरे इस्तकामत। इस्तकामत भी बहुत बड़ी चीज़ है, इस्तकामत बहुत बड़ी चीज़ है। इस्तकामत का मतलब है जम जाना। आम तौर पर हमारा मिजाज क्या है, आज अमल किया कल छोड़ दिया, ये शुरू किया वो करने लगे, फिर वो बंद किया तीसरा काम शुरू किया। मौलाना जफर अली खां बहुत बड़े अदीब मुसन्निफ शायर गुजरे, इतने बड़े शायर थे कि फिल बदी अशार कहना उनके लिए जर्रा बराबर मुश्किल काम नहीं था। उनकी जिन लोगों ने उनको देखा है मजलिसों में शरीक रहे, वो कहते हैं कि इस तरह शेर कहते थे कि हुक्का ला कर रखा गया, हुक्का पी रहे हैं और कहा किस मौजू पर शेर कहना है, मौजू बताया गया और बेहतरीन अशार वो हुक्का पीते पीते लिखवाते जाते थे, बेहतरीन अशार। और मुजाहिद आज़ादी भी और ये भी और वो भी बड़े बाकमाल आदमी थे। अब सुनिए जो सुनाना था, बाकमाल तो थे लेकिन एक बात उनके अंदर ऐसी थी जिसने उनकी शख्सियत को दागदार किया, और वो ये कि मुस्तकिल मिजाजी उनके अंदर नहीं थी। तो उनके बारे में ये मशहूर था कि अगर कोई तहरीक चंद दिनों में खड़ी करनी हो तो मौलाना जफर अली खां को बुला लो, चंद दिनों में। इतने बेहतरीन मुकर्रर हैं और इतने बेहतरीन कलम का इस्तेमाल करने वाले शख्स हैं, ऐसे बेहतरीन कलमकार अदीब सहाफ़ी कि चंद दिन में वो तहरीक खड़ी करके रख देंगे। लेकिन जब वो तहरीक खड़ी हो जाए तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि हज़रत मौलाना को रुसत कर दीजिए, वरना जितनी जल्दी उन्होंने उस इमारत को खड़ा किया है उतनी तेज़ी से वो उसको गिरा भी देंगे और फिर कोई दूसरी तहरीक शुरू कर दें, कोई दूसरा काम शुरू कर दें। ये जो गैर मुस्तकिल मिजाजी है ये बहुत बड़ा आयब है दीन के लिए भी और दुनिया के लिए। सुन लीजिए, दुनिया के लिए भी और दीन के लिए बहुत बड़ा आयब है। जिस शख्स के अंदर इस्तकामत नहीं होगी, मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी, वो दुनिया में कभी कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे सकता। बगैर इस्तकलाल और इस्तकामत के कोई शख्स कोई दुनिया का बड़ा काम नहीं कर सकता। इसी तरह दीन में भी कोई तरक्की उस इंसान को नहीं नसीब होगी जो इस्तकामत इख्तियार करे, इस्तकलाल इख्तियार न करे। नहीं, ये अल्लाह का निज़ाम ही नहीं, इस्तकामत के बगैर लोग आगे नहीं बढ़ सकते। जम जाना, आमाल पर जमना, ये असल चीज़ है। आमाल पर जमना चाहे थोड़ा कीजिए मगर हमेशा कीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा से पूछा गया, हल यखुस्सुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैअन मिन अलैया, क्या हज़रत कुछ ख़ास दिनों में अमल करते थे, यानी किसी अमल के लिए कुछ ख़ास दिन मुकर्रर करते थे, बस उतना किया और फिर छोड़ दिया? हज़रत आयशा से पूछा गया, उन्होंने कहा हरगिज़। काना अमल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीमन, हुज़ूर का अमल हमेशा करते। एक रिवायत में इज़ा आमिल अमलन असबतहु, जब आप कोई काम शुरू करते थे जम करके डट जाते थे, कोई काम शुरू किया है पाए तकमील तक पहुंचाते थे, रास्ते में नहीं छोड़ते, कोई काम शुरू किया आखिर तक करते थे, कोई अमल आपने ज़िंदगी में इख्तियार किया आखिर तक उसको करते रहे। आपने एतिकाद शुरू फरमाया, ज़िंदगी के हर साल आपने एतिकाद, एक साल किसी वजह से एतिकाफ का नागा हुआ तो आपने अगले साल 20 दिन का एतिकाफ, 10 दिन का एतिकाफ छूट गया था आपने अगले साल 20 दिन का एतिकाफ। आमाल पर इस्तकामत हुजूर ने सिखाई, सहाबा को सिखाई। हजरत उम्मे हबीबा हुजूर की जोजे मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन ने कहती हैं, हुजूर ने फरमाया था बुखारी में, मन सल्ला इस्नतै अशरता रकअतन फी यौमिन व लैलतिन बुनिया लहु बिहिन्न बैतुन फिल जन्ना, जो शख्स दिन रात में 12 रकत नमाज पढ़ेगा, दिन रात में 12 रकत नमाज, और तिर्मिज़ी की हदीस में उसकी वजाहत आई है, नफिल नमाज नहीं है ये, सुन्नतों के बारे में, कि जो 12 रकत सुन्नत रोज़ पढ़ेगा, और उसकी तशरीह और वजाहत तिर्मिज़ी की हदीस में,
حضرت ام حبیبہ ہی سے نقل ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نے بتایا تھا 12 رکعت کون سی، 4 رکعت ظہر سے پہلے سنت، پھر 2 رکعت ظہر کے بعد، پھر 2 رکعت مغرب کی نماز کے بعد، پھر 2 رکعت عشاء کی نماز کے بعد، پھر 2 رکعت فجر کی نماز سے پہلے، یہ 12 رکعت ہیں، جو روزانہ پابندی سے پڑھے گا جنت میں اس کے لیے محل بنا دیا جائے گا، یہ بشارت۔ اب یہ تو حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، اب استقامت سنیے۔ حضرت ام حبیبہ روایت بیان کرنے کے بعد کہتی ہیں، ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس دن سے میں نے حضور کی زبان مبارک سے یہ حدیث سنی ہے آج تک میں نے اس عمل کا ناغہ نہیں کیا، جو حضرت نے ارشاد فرمایا میں نے گرا سے پڑھا بس، اب روز میں 12 رکعت یہ نماز پڑھتی ہوں، کبھی نہیں چھوڑتی۔ اب اسی پر اکتفا نہیں ہے، آپ بخاری میں پڑھیں، حضرت ام حبیبہ سے اس روایت کو نقل کیا ہے، حضرت عنبسہ رضی اللہ عنہ نے، جو ان کے بھائی تھے، حضرت ابو سفیان کے بیٹے تھے، ام حبیبہ کے بھائی ہیں، عنبسہ نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنی بہن سے یہ روایت سنی ہے میں نے بھی کبھی ناغہ نہیں کیا ہے۔ ان سے یہ روایت نقل کی ہے عمر ابن عوص نے، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے عنبسہ سے یہ بات سنی ہے آج تک ناغہ نہیں کیا ہے۔ ان سے روایت نقل کی ہے نعمان ابن سالم نے، وہ کہتے ہیں کہ عمر ابن عوص سے جب سے میں نے یہ بات سنی ہے، یہ حدیث سنی ہے، میں نے اس عمل کا ناغہ نہیں کیا۔ یہ تسلسل ہے، یہ ہے استقامت، کہ ایک بات سن لی اور اس پر عمل شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت فاطمہ کو حضور نے تسبیح فاطمی سکھائی، خادم مانگا، حضرت نے گھر تشریف لے جا کر ان کو تسبیح سکھائی، 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمد، جو ہم لوگ تعلیم دیتے ہیں اور آپ لوگ پڑھتے ہیں نماز کے بعد، یہی تسبیح فاطمی حضور نے سکھایا، اور فرمایا یہ تمہارے لیے خادم اور نوکر سے بڑھ کر ہے، اس پر عمل کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل شروع کیا، زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے پوچھا کہ صفین کی جنگ جب لڑی جا رہی تھی اور رات میں معرکہ ہو رہا تھا اور جنگ کا عالم تھا، کیا اس رات بھی آپ کا یہ عمل ناغہ نہیں ہوا؟ فرمایا لا لیلۃ صفین، صفین کے جنگ کے موقع پر بھی ناغہ نہیں ہوا۔ یہ ہے استقلال، یہ ہے استقلال کہ ایک چیز کو اختیار کیا اور جم گئے، جنگ کے وقت بھی معمول کا ناغہ نہیں، یہ ہم سب لوگوں کو دھیان سے سننا چاہیے۔ اس لیے کہ جس سے پوچھئے معمول پورا کرتے ہو کہتے ہیں جی حضرت ہوتا ہے، پھر چھوڑ چھوڑ بھی جاتا ہے، کبھی پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا ہوں، بس ماشاء اللہ ایسے گاڑی چل رہی ہے، یہ جو آپ کی گاڑی چل رہی ہے وہ عرش تک نہیں پہنچے گی، وہ سدا مدہ ہی پہ رک جائے گی، آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے، یہیں آپ کی ٹرین کا اسٹاپ یہیں ہو جائے، آپ قرب الٰہی کی منزل تک کیسے پہنچیں گے جب آپ استقامت نہیں اختیار کریں، جب آپ کسی عمل کو اپنی زندگی کے معمولات کا حصہ نہیں بنا رہے۔ کھانا ہم بالکل وقت پہ کھا رہے ہیں، کھانے کا معمول الحمدللہ ناغہ نہیں ہوتا، اللہ کا کرم، پہلے 2 وقت لوگ کھاتے تھے، 3 وقت کھانے لگے، اب تو ماشاءاللہ 4 وقت کھاتے ہیں، اثر بعد بھی کھانے لگے، اور کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو 5 وقت بھی کھاتے ہیں الحمدللہ، ایسے مبارک لوگ اس مجمع میں بھی موجود ہوں گے۔ دنیا کی ہر قوم سے ہمارا مقابلہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے کسی شعبے میں ہم ان سے ہار جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کھانے اور سونے میں دنیا کی کوئی قوم ہندوستان سے لے کے یورپ تک ہم سے جیت سکے، کوئی قوم مسلمانوں سے ہندوستان سے لے کے یورپ تک کوئی اگر کھانے میں اور سونے میں ہم سے ہم کو شکست دے سکے تو اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا، منہ مانگا انعام، کھانا اور سونا، کھانے میں بھی ہم امامت کے منصب پہ فائز ہیں اور سونے میں تو الحمدللہ چیمپئن شپ ہم کو حاصل ہے، تیمورہ ہمارا اتنا کہ سبحان، ایک صاحب سے اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی، ان کو میں نے کہا کہ نظام الاوقات ذرا آپ بنائیے اور آپ تو کمی سوتے ہوں گے، کہنے لگے کہ نہیں نیند کا معاملہ ذرا بے قابو ہے، میں نے کہا کتنے گھنٹے سوتے ہوں گے، کہنے لگے یہ کوئی 10 گھنٹے سوتا ہوں، میں نے کہا بس پھر آپ کام کر چکے ہیں، ماشاء اللہ آپ
انشاءاللہ بہت جلدی آپ ترقیات کی مناظر طے کر لیں۔ جو آدمی 10 گھنٹے سوتا ہی رہے، کام نہ کرے، محنت کا عادی نہ ہو، وہ کیسے ترقی کر سکے؟ اور وہ قوم کیسے ترقی کر سکے گی جس کے نوجوان اس قدر سونے کے عادی؟ وہ قوم کیسے آگے بڑھ سکے؟ غور کر لیجیے، جس قوم میں کھانے کا ایسا مزاج ہو، سونے کا ایسا مزاج ہو، جس کی زندگی میں ترتیب قائم نہ رہے، جو اوقات کو ناپ توڑ کر استعمال نہ کرے، جو اپنی صلاحیتوں کے مثبت استعمال پر فوکس نہ کرے، وہ قوم کیسے ترقی کر سکے گی؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا، تقریروں اور تحریروں اور جلسوں سے قومیں ترقی نہیں کرتی، نعروں اور جذبات سے بھی قومیں ترقی نہیں کرتی۔ خدا کی سنت اس دنیا کے لیے یہ ہے کہ جو فرد یہ جو قوم محنت کے راستے پر چلیں گے، اللہ انہیں کو آگے بڑھائے گا۔ وہ قوم چاہے کافر ہو، وہ فرد چاہے کافر ہو، خدا کی سنت یہ ہے کہ محنت کے نتیجے میں آگے بڑھے، خدا کی سنت یہ ہے۔ ہمیں اعتدال لانا چاہیے، ایک ترتیب زندگی میں لانی چاہیے۔ میں اپنے عزیزوں کو، مریدوں کو بار بار کہتا ہوں، نظام الاوقات بنائیے، کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، کب کیا کام کرنا ہے، کس وقت معمول پورا کرنا ہے، کس وقت تہجد پڑھنی ہے، کس وقت تلاوت کرنی ہے، ہر چیز کا وقت مقرر کیجیے اور اس نظام الاوقات کے مطابق زندگی گزاریے۔ وقت برباد مت کیجیے، وقت کے سرمایہ کو یوں آپ ضائع مت ہونے دیجیے، ورنہ زندگی آپ کو ضائع کر دے گی، آپ کوئی بڑا کام نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ چیز ہمارے آپ کے سیکھنے کی ہے کہ کوئی عمل ہم شروع کریں جم جائیں۔ ذکر ہم نے شروع کیا، استقامت سے کریں، جم جائیں، معمول کی پابندی کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دیکھا تھا، اپنی بہن حضرت حفصہ سے بیان کیا۔ حضرت حفصہ حضور کی زوجہ ہیں، انہوں نے حضور سے نقل کیا کہ بھائی نے ایسے ایسا خواب دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں حضرت حفصہ سے یہ کہا، نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، عبداللہ اچھے انسان ہیں، کاش کے تہجد کی نماز پڑھتے، کاش کے رات کو نماز پڑھتے۔ خواب دیکھا تھا، وہ خواب حضور سے نقل کیا گیا، اس کے جواب میں حضرت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اب یہ جملہ حضرت حفصہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے نقل کیا کہ حضور نے تمہارا خواب سن کر ایک جملہ کہا کہ عبداللہ اچھے آدمی ہیں، عبداللہ ٹھیک آدمی ہیں، مگر عبداللہ اچھے آدمی ہیں، مگر تہجد کی پابندی کرتے تو بہتر ہوتا۔ اب اس سے ایک بات اور آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ آج جو دنیا بہت اپنے علوم اور اپنے تعمیر شخصیت کے اصول اور قاعدے اور ضابطے بیان کرتی ہے، اور شخصیت سازی کے بڑے بڑے کیمپ لگتے ہیں، اور بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں، اور لاکھوں روپے ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو لوگوں کے سامنے لیکچر دیتے ہیں اور وہ اصول بیان کرتے ہیں۔ مثبت سوچئے، منفی سوچ کو نکالیے، اس طرح اداروں کو چلائیے، اس طرح گھر کو چلائیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان لوگوں کے پاس تو ایسا علم ہے جو ہم نے کبھی سنا نہیں۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ اس مرعوبیت میں کبھی نہ پڑھیے۔ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یورپ سے لے کر ہندوستان تک جتنے بھی ماہرین تعلیم ہیں یا زندگی گزارنے کے اصول بتانے والے ہیں، یا یورپ کے بڑے بڑے مصنفین جن کی کتابیں ملینز کتابیں بکتی ہیں صرف اس نام پر کہ وہ زندگی کے بہترین اصول اور ضابطے بیان کرتے ہیں، اور ان کی کتابیں پڑھ کر ایک آدمی کی منفی سوچ مثبت سوچ بن جاتی ہے، اور یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اور 10 جلسوں میں ہم شریک ہوئے اور ہماری زندگی بدل گئی اور ہماری شخصیت میں بہت ہی نمایاں تبدیلی آ گئی۔ یقین مانیے کہ ان سب کے پاس کوئی بھی نئی چیز نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی بھی باتیں ہیں، جس کو وہ آج کی دنیا کے اسلوب میں نئے طرز پر بیان کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی چیز لے کر آئے ہیں، ہمارا ہی مال ہمیں کو رنگ و روغن کر کے ہمیں کو ڈبل قیمت میں بیچ رہے ہیں، ہم جیسے پرتو دنیا میں کہاں ہوں گے کہ ان سے اپنا ہی مال خرید۔
آہ آہ دریا کی موجش کم تپید، او گوہر خود راز بوا سا فرید۔ اقبال نے کہا تھا، اس دریا پر افسوس ہے جس کی موجیں کم بڑھی، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اس نے اپنے ہی موتی غوطہ خوروں سے قیمت دے کر خریدے۔ ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ کتنے زبردست اصول حضور نے سکھائے، اسی ایک روایت پر، اسی لیے میں نے یہ بات کہی، اسی ایک ٹکڑے پر دھیان دیجئے کہ حضرت کو اصلاً انہیں تہجد کی ترغیب دینی تھی، اور یہ ایک منفی پہلو تھا ان کی شخصیت کا حضرت عبداللہ ابن عمر کی، کہ وہ اور چیزوں میں ٹھیک تھے مگر تہجد کے پابند نہیں تھے، تہجد وہ چھوڑ رہے تھے۔ اگر حضرت یوں کہتے کہ خواب جو انہوں نے دیکھا ہے اس میں اشارہ ہے کہ یہ تہجد کے پابند نہیں ہیں اور غلطی کرتے ہیں اور تہجد کا اہتمام نہیں کرتے، اس لیے غلط آدمی ہیں، تو ان کے اوپر مثبت اثر نہیں پڑتا، ان کے دل پر منفی اثر پڑتا۔ حضور نے بات شروع کی مثبت پہلو سے اور یہ کہا کہ عبداللہ بہت اچھے آدمی ہیں، البتہ تہجد کی پابندی کرتے تو اور بہتر ہو۔ ایک اصول سکھایا کہ بات کس طرح کی جائے، تربیت کس طرح کی جائے، اداروں کو کس طرح چلایا جائے۔ اس ایک جملے سے آپ اندازہ کیجئے کہ اگر آپ کسی ادارے کے ذمہ دار ہیں، کسی کمپنی کے مالک ہیں، کسی بڑے سے بڑی تنظیم کے آپ سربراہ ہیں، اور آپ کے ہاتھ کے نیچے سینکڑوں یا ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں، اور اب ان میں سے کسی کو آپ کو متوجہ کرنا ہے، تو آپ بات منفی پہلو سے مت شروع کیجئے کہ آپ دیر سے کیوں آئے، آپ نے غلطی کیوں کی۔ آپ بات یہاں سے شروع کیجئے کہ آپ میں اچھی عادتیں بہت سی ہیں، مگر ایک بات کی اگر آپ اصلاح کر لیں تو آپ میں خوبی اور بڑھ جائے، آپ کے اندر آپ کی صلاحیت پہ اور اضافہ ہو جائے۔ یہ ہے پہلو۔ حضرت نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے نماز میں محسوس کیا کہ پیچھے کچھ ہلچل ہو رہی ہے، ایک صاحب تھے نماز میں دیر سے آئے، جھٹ جھٹ چلتے ہوئے آئے، اور ان کے چلنے اور ادھر ادھر ذرا حرکت کرنے سے آواز پیدا ہوئی، آگے نماز میں شامل ہو گئے، حضرت کو کچھ خلل ہوا۔ آپ نے نماز کے بعد پوچھا کون تھے، بلایا گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا۔ دیکھیے بات کہاں سے شروع کی، اصل تنبیہ کرنی تھی کہ دوڑ کر نماز میں مت شریک ہونا، خلل ہوا، لیکن حضرت نے بات یہاں سے شروع کی، زادک اللہ حرصاً لا تعود، تو اللہ تعالیٰ تمہارے شوق میں اضافہ فرمائے، مگر آئندہ اس طرح دوڑ کر نماز میں شامل نہ ہو۔ زادک اللہ حرصاً، بات یہاں سے شروع کی، زادک اللہ حرصاً، اللہ تمہارے شوق میں اضافہ کرے، لیکن آئندہ دوڑ کر نماز میں نہ آنا۔ یہ ہے مزاج نبوی ہے، تعلیم نبوی ہے، یہ ہے وہ اصول جن کو دنیا آج بیان کرتی ہے اور لوگ واہ واہ کرتے ہیں۔ یہ تو 1450 سال پہلے ہمارے آقا سکھا کر اور بتا کر گئے، ہم نے اپنے خزانے کی حفاظت نہیں کی، دوسروں نے اس پہ قبضہ کیا اور وہی اب ہمارے مالک اور آقا بن گئے۔ یہ طریقہ حضور نے سکھایا، زادک اللہ حرصاً لا تعود، اللہ تمہارے شوق کو بڑھائے، آئندہ ایسا نہ کر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے تھے، آپ نے ان کو تعلیم دی، نئے نئے مسلمان ہوئے، آپ نے ان کو تعلیم دی کہ دیکھو اگر کسی کو چھینکائے الحمدللہ کہنا چاہیے، اور کسی کو چھینکائے الحمدللہ کا یا رحمک اللہ کہنا چاہیے۔ اب وہ بیچارے تعلیم لے کے چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد پھر آئے، اور آئے تو نماز کا وقت تھا، نماز میں شریک ہوئے۔ اب ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ حضرت نے یہ جو تعلیم دی ہے یہ نماز سے باہر کی ہے، نماز کے اندر کی نہیں ہے، یہ ان کو پتا نہیں تھا، کچھ ہی وقت رہے تھے۔ اب وہ آئے نماز میں شریک ہوئے اور ان کو چھینک آ گئی، انہوں نے تعلیم جو نئے نئے سیکھے ہوئے تھے، جوش بھی تھا، تو تعلیم پہ عمل کرتے ہوئے کہا الحمدللہ، جو الحمدللہ کہا تو گرد گرد والوں کو محسوس ہوا کہ نماز میں یہ کیا شروع کر دیا، اچھا ان کو یہ خیال تھا کہ الحمدللہ میں کہوں گا تو دوسرے یرحمک اللہ کہیں گے، مگر وہاں تو یرحمک اللہ بھی غائب تھا، اور دوسرے جو ہے کچھ تھوڑا ان کے اندر بے چینی محسوس ہوئی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیوں ادھر ادھر بے چینی ہو رہی ہے، آس پاس پڑوس میں حالات کیوں خراب ہو رہے ہیں، تو اب ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مسجد میں بولنا نہیں چاہیے، نماز کی حالت میں بولنا نہیں چاہیے۔ جو بازو والے تھے ان لوگوں نے ذرا ان کو گھول کے دیکھنا شروع کیا کہ آپ نے نماز میں کیا کام شروع کر دیا، اب ان کو تو پتا تھا نہیں، تو انہوں نے نمازی میں ان کی تنبیہ بھی شروع کر دی، تادیب، کہنے لگے تم کو کیا ہو گیا کہ گھول گھول کے مجھ کو دیکھ رہے ہو، یہ کیا بات ہو گئی۔ تو لوگوں نے جو ہے
अपनी ईरान पे हाथ मारा उनको खामोश करने के लिए, यानी कि अब वो तो नहीं बोल सकते थे, ऐसा तो था नहीं कि वो भी बोलना शुरू कर देते। वो है ना हजरत थानवी के मवाइज में कि एक साहब थे नमाज पढ़ा रहे थे, दो पीछे थे, तो एक पीछे था मुक्तदी, नमाज हो रही थी, इतने में एक और कोई आया, और जरा बुद्धू किस्म का मुसल्ली था जो पीछे था, नादान किस्म का, वो आया तो आया और फिर उसने अल्लाह नमाज में शामिल हो गया। शामिल हो गया उसके बाद ख्याल हुआ कि पता नहीं रकत कोई छोटी तो नहीं, तो जिसने कुछ इंतजार किया ना वैसे ही पूछा पास बात से कितनी रकत छोटी था, जरा बुद्धू किस्म का पूछा उसने, तो उसने कहा चुप रहे नमाज हो रही है, चुप रहे नमाज हो रही है। अब यहीं तक बात रहती तो ठीक था, वो जो इमाम साहब थे वो भी उसी कबीले के थे, उन्होंने आगे से फरमाया वो कैसे बेकार लोग नमाज ही तोड़वा दी, जो उनकी बाकी बची थी वो भी रो सकता, ये दोनों की तो गई थी। वो इमाम साहब जो थे बेचारे उन्होंने भी अपनी भी नमाज जो है उसका सत्यानाश कर दिया। तो ये जो आस पास के थे उन्होंने रान पे हाथ मारा ताकि ये चुप हो जाए, तो ये चुप तो हो गए लेकिन कश्मकश रही। अब जब इतना सब हंगामा हुआ हजरत नमाज से फारिग हुए, तो नमाज से फारिग होकर हजरत ने पूछा कौन थे जो नमाज में बात कर रहे थे, इनको पेश किया गया हजरत की खिदमत में आए। अब देखिए यहाँ से हुजूर की तालीम शुरू होगी, यही सिखाना था। वो सहाबी खुद बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको अपने करीब बुलाया, उसके बाद न हुजूर ने मुझको डांटा, न मुझको झिड़का, न मुझको तंबीह की, बल्कि इरशाद फरमाया कि देखो नमाज जिक्र और तिलावत के लिए है, नमाज में बातचीत मुनासिब नहीं है, आइंदा ऐसा न करना। बहुत मोहब्बत से तालीम दी। उनके अल्फाज में आपको सुनाता हूँ कि ये रिवायत बयान करने के बाद वो अपना तअस्सुर बयान करते हैं कि कसम बखुदा मैंने ऐसा शफीक मुअल्लिम न हुजूर से पहले देखा न हुजूर के बाद सुना। ऐसी मोहब्बत से सिखाने वाला, इस तरह तालीम देने वाला, न मैंने हुजूर से पहले किसी को देखा न हुजूर के बाद सुना। ये है जो चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थी कि आपने उसूल बताए, जाब्ते बताए शख्सियत की तामीर के, लोगों को मुस्बत तरीके से करीब करने के, ये सीखने की चीज। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ये मौजू नहीं है, दरमियान में बात आई तो मैंने अर्ज कर दिया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के बारे में आपने फरमाया निअमर रजुल अब्दुल्लाह, बेहतरीन इंसान है अब्दुल्लाह, लौकान युसल्ली मिन अल्लैल, काश के रात को नमाज पढ़ते। हजरत हफ्सा ने जाकर बयान किया हुजूर ने तुम्हारा ख्वाब सुनकर ये फरमाया, उसी दिन से उन्होंने तहज्जुद की पाबंदी शुरू की और फिर तादमे ज़ीस्त कभी तहज्जुद का दावा नहीं किया, हमेशा नमाज रात की नमाज पढ़ाते। और उनकी रात की नमाज की जो कैफियत आई है वो पढ़ने जैसी, बहुत देर देर तक क़याम फरमाते थे, वक्त नहीं है कि मैं उसकी तफसील बयान करूँ। आपको जो हिस्सा सुनाना था वो ये कि हुजूर ने एक बात इरशाद फरमाई और उन्होंने उस पर अमल शुरू किया और फिर जिंदगी भर अमल करते रहे, ये इस्तिकामत है, ये अमल पर मुआज़बत है, ये अमल पर जमना है और इसी पर बशारतें हैं, इसको सीखिए। और आपकी आसानी के लिए अर्ज कर देता हूँ कि इस्तिकामत का मतलब ये मत समझिएगा कि अमल कभी छूटे ही नहीं, अगरचे के इस्तिकामत की आला तरीन कैफियत यही है, लेकिन जिस तरह हर चीज़ में हिस्से होते हैं उसी तरह इस्तिकामत में भी दर्जे हैं। पहले दर्जे की इस्तिकामत तो यही है कि आपने कोई अमल शुरू किया कभी मत छोड़ो, लेकिन दूसरे दर्जे की इस्तिकामत ये है कि अगर आपने कोई अमल शुरू किया और फिर किसी वक्त नागा हो गया, फिर किसी वक्त नागा हो गया, आपने एक महीने में 25 दिन अमल किया, 5 दिन नागा हो गया, 4 दिन किया, 1 दिन नागा हो गया, फिर आपने 5 दिन किया, 1 दिन नागा हो गया, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे ये इस्तिकामत के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये भी एक तरह की इस्तिकामत ही है कि इंसान एक अमल को किए जाए। समझ लीजिए इसको,
शैतान क्या करता है कि एक दिन अमल छूट गया तो वो कहेगा कि अब तो नागा हो गया है, अब और नागा भी हो जाए तो कोई हरज की बात नहीं। फिर ये होता है कि आपने दूसरे दिन भी नागा कर दिया, फिर तीसरे दिन भी नागा कर दिया, फिर एक महीने नागा कर, ये नहीं होना चाहिए। अगर एक दिन छूट गया है दूसरे दिन तीसरे दिन कीजिए, ये नहीं कि एक दिन के नागे की वजह से समझ लीजिए कि इस्तेकामत हमको हासिल नहीं, ये शैतान का धोखा है। अगर आप कर रहे हैं छूट जा रहा है फिर आप करने लगे, ये भी एक तरह की इस्तेकामत। और तीसरा दर्जा इस्तेकामत का ये है कि अगर कोई आदमी मान लीजिए कि हफ्ते के 7 दिन हैं, 7 दिन में से अगर वो 4 दिन कोई अमल करता है और 3 दिन उससे अमल छूट जाता है, तब भी क्योंकि उसने अक्सर दिन अमल किया है और कम दिन उसने छोड़े हैं, इसको भी एक दर्जे की इस्तेकामत हासिल। इसलिए इससे भी मायूस ना हो, अगरचे के पहले दर्जे को हासिल करने की फिक्र करें, मेहनत करें, लेकिन इससे भी मायूस ना हो। शैतान बहुत मर्तबा मायूस करके इंसान को अमल से हटा है। शैतान भी तो बहुत पढ़ा लिखा है और बहुत ही समझदार किस्म का है, हम जैसों को आप जैसों को बहकाना कोई आसान काम तो था नहीं, तो इसलिए वो भी सब कुछ पढ़ लिख के आया है, वो ठिकाने से अपने वार औजार इस्तेमाल करता है, इसलिए उसके वार को समझना और उसको खाली कर देने की ताकत पैदा करना ज़रूरी है। ये है वो तरीका कि अगर आप से अमल छूट भी जा रहा है, ये मत समझिए कि इस्तेकामत मेरी रुख्सत नहीं, आप अभी भी एक दर्जे की इस्तेकामत पर हैं और आप उसको मुसलसल करें, कोशिश करें कि अमल बढ़ता जाए और अमल में ज़्यादा तसलसल पैदा होता जाए, उससे आपको बरकत हासिल होगी। आप गौर कीजिए कि एक चट्टान पर आप बहुत ज़्यादा पानी एक ही मर्तबा में डाल दें, उस चट्टान पर कोई निशान बाकी नहीं रहेगा, लेकिन उसी पत्थर की चट्टान पर कतरा कतरा पानी गिरता रहे और मुसलसल गिरता रहे तो उस चट्टान में सुराख हो जाएगा। क्यों होगा? ये अमल के तसलसल की वजह से होगा, ये अमल की इस्तेकामत की वजह से होगा। थोड़ा पानी गिर रहा है, कतरा कतरा गिर रहा है, मगर वो चट्टान में भी सुराख कर देगा। इसी तरह जब इंसान थोड़े अमल पर भी इस्तेकामत इख्तियार कर लेता है तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो अल्लाह से करीब होता जाता है और शैतान और नफ्स के ऊपर उसका काबू बढ़ता जाता है। पानी कतरा कतरा गिर कर चट्टान में सुराख कर दे, तसलसल। हमारे बुजुर्गों का इम्तियाज यही तसलसल था, इस्तेकामत, अमल पर मुआजबत। मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के बारे में देवबंद तशरीफ ले गए थे, जलसे का मौका था, भीड़ हो गई मुसाफा करने वालों की, नमाज में तशरीफ ले गए और पहली रकत फौत हो गई। नमाज के बाद नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरने इमाम ने सलाम फेरा, इन्होंने नमाज मुकम्मल की, उसके बाद सर्द आँख खींच कर फरमाया कि 27 साल के बाद तकबीर उला फौत हो गई। अमल का तसलसल देखिए, 27 साल के बाद तकबीर उला फौत हो। सईद इब्ने मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह तो इससे भी बहुत आगे थे, खुद अपने बारे में इरशाद फरमाया, जिंदगी के 40 साल मेरे ऐसे गुजरे हैं कि मैंने कभी किसी फर्ज नमाज की अजान मस्जिद से बाहर नहीं सुनी, तकबीर उला नहीं, फरमाया मस्जिद के बाहर मैंने अजान भी फर्ज नमाज की नहीं सुनी, अजान से पहले मस्जिद में हाजिर रहा और 40 साल तक मांगू, 40 साल में इस अमल का नागा नहीं। बीसियों वाकयात हैं हमारे बुजुर्गों, और इसी अमल के तसलसल ने उन्हें उस मकाम तक पहुंचाया था कि आज भी इज्जत व अजमत के साथ उनका नाम लिया गया। मेरे भाइयों, ईमान और इस्तेकामत इन दोनों सिफात के असूल की मेहनत में लग जाइए, तसलसल लाइए, एक तरतीब जिंदगी में लाइए, तब आप कामयाब हो सकेंगे। मामूलात पर जम जाइए, थोड़े मामूलात कीजिए मगर मुसलसल कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत मामूल पूरा करें, बहुत जिक्र करें, बहुत नवाफिल पढ़ें, नहीं, जितना आपसे हो सकता है बस उतना मामूल आप ले लीजिए और उस पर ही जम जाइए। ये जम जाना आपको बहुत ऊंचे मकाम तक ले जाए। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।